हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस वीडियो में आपको आर्टिकल से, शेड्यूल से और इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में मैंने एकदम जो हर बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से, ठीक है, उनको मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट टू लाइफ कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए जीवन का अधिकार जो है ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो देखिए, अगर बात करें राइट टू लाइफ की तो ये आता है आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 21 में, ठीक है। और लास्ट में आप मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। देखिए, जिनको आर्टिकल याद है तो उनके लिए अच्छी बात है, तो आप नॉर्मली बस वीडियो देखो, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं याद है तो वो कॉपी पेन लेके एक बार आप नोट डाउन कर लो और फिर आप रिवीजन करो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो टोटल इसमें 47 क्वेश्चन हैं। लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें जिनको ये आता है, ठीक है। चलिए, राइट टू एजुकेशन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए शिक्षा का अधिकार जो है ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो देखिए, अगर बात करें कि राइट टू एजुकेशन किसके अंदर आता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है, ओके। अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए मौलिक अधिकार जो है ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो है ये आपका आर्टिकल 12-35, ठीक है, इससे इसके अंदर आता है ये। और अगर बात करें कि ये कौन से पार्ट में आता है ना, तो पार्ट 3 में आता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया ना अभी जस्ट, देखिए फंडामेंटल राइट इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट का संबंध कौन से पार्ट से है, कौन से भाग से है, तो आपका किससे है, ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 3 से है, ठीक है। PDF चाहिए तो कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को शॉर्ट फॉर्म में UCC बोला जाता है, और ये आता है आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 44 के अंतर्गत, ओके। अगला क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं तो इनका संबंध कौन से आर्टिकल से होता है। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू आर्टिकल 52, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शंस जो होते हैं प्रेसिडेंट के, तो उनका संबंध कौन से आर्टिकल से है, बताइए। तो देखिए, इलेक्शन जो होते हैं प्रेसिडेंट के, तो ये आपका किससे रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 54 से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के, उपराष्ट्रपति, तो इनका संबंध कौन से आर्टिकल से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 64। अगला क्वेश्चन, द इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने देखा ना कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है तो उसका संबंध किससे है। देखिए, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ना, इसका संबंध है आपका आर्टिकल 54 से। वहीं पे अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो इनके इलेक्शन का संबंध कौन से आर्टिकल से है, ऑप्शन नंबर ए, 66, ठीक है, याद रखिएगा। दोनों को थोड़ा थोड़ा रिलेट करके चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है। अभी आपकी द्रौपदी मुर्मू हो गई आपकी इंडिया के प्रेजेंट प्रेसिडेंट, और अभी अगर प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो जगदीप धनखड़ जो है ये आपके प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट हो गए। अगला क्वेश्चन, द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल। कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो होते हैं इंडिया के, तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है, तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होती है, बताइए। तो ये अपॉइंट होते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 148 के थ्रू। अगला क्वेश्चन, द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल। अब देखिए, इनकी जो ड्यूटीज और पावर है बेसिकली कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की, तो ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, बताइए।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 149। ये अपॉइंट किन कौन से आर्टिकल के थ्रू होते हैं, 148, ठीक है। और इनकी जो ड्यूटीज एंड पावर है ये किस में मेंशनड है, या फिर कह सकते हो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है, तो 149, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 32 जो है तो इसका संबंध कौन से पार्ट से है बताइए। सो आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, बताइए अनुच्छेद 76 जो है इसका संबंध कौन से क्या भाई ये, आर्टिकल 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, चूज कीजिए इसमें से बताइए। आर्टिकल 76 जो है इसका संबंध किससे है निम्नलिखित में से बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया, द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मनी बिल को जो परिभाषित किया गया है तो कौन से आर्टिकल में इसको परिभाषित किया गया है बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 110। अगला क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं तो उनका संबंध कौन से अनुच्छेद से है। तो देखिए गवर्नर ऑफ स्टेट्स जो होते हैं इनका संबंध है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 153 से। अगला क्वेश्चन, द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब बताइए राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है तो ये कौन से आर्टिकल के तहत इनकी नियुक्ति होती है, किसके थ्रू ये अपॉइंट किए जाते हैं बताइए। ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 155 के तहत। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज प्रोवाइडेड, बताइए कौन से अनुच्छेद में जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड किया जाता है। दैट मीन्स कि जो अमीर इंसान है या फिर गरीब इंसान है, ठीक है, दोनों वर्ग के लोग रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि दोनों को अलग अलग ट्रीट दिया जाएगा, दोनों को सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यही कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो बताइए ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका आर्टिकल 14। ये बात कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाएगा, ये आता है आपका ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 300A। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ग्राम पंचायत जो है तो इसका संबंध कौन से अनुच्छेद से है बताइए। सो अगर बात करें ग्राम पंचायत की तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 40। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। सो अगर बात करें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 124। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसका संबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 368 जो है ये रिलेटेड है आपका किससे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, अभी तक 85% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई बहुत बुरा लगता है। आप लोग जो एटलीस्ट वीडियो देखते हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। फंडामेंटल ड्यूटीज कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज दैट मीन्स मौलिक कर्तव्य जो है ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। सो इफ यू टॉक अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज तो ये आता है आपका ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 51A के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, बताइए कौन सा आर्टिकल जो है ये छुआछूत को प्रतिबंधित करता है, दैट मीन्स जो है प्रोहिबिट करता है, खत्म करता है, प्रतिबंध लगाता है उस पर बताइए।
अगर ये है आपका इम्पोर्टेंट ऑप्शन नंबर ए, सारे के सारे मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट ही लिए। वैसे तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन जो बार बार रिपीटेड है ना एसएससी का एग्ज़ाम, भाई कोई भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, दैट्स वाई ये सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। आपको उत्तर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई मैं कर ही रहा हूँ तो फिर सब लोग क्यों मेहनत करेंगे। अ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग विच आर्टिकल। देखिए, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी, वैसे तो लगाई नहीं जाएगी, लेकिन एक क्वेश्चन है तो बताना है आपको। अ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग विच आर्टिकल, तो कौन से आर्टिकल को अप्लाई करके फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाएगा, बताइए। तो ये आपका है आर्टिकल 360, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, बताइए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, ये कौन सा आर्टिकल से इसका संबंध है। सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप देखते होंगे आपके अगल बगल वाले लोग जो हैं वो, उनको भी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, हर किसी को है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 19 से रिलेटेड। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बताइए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है। तो ये आपका रिलेटेड है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 74। अगला क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनेंस कमीशन जो है ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है आपका, ये आता है आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 280। अगला क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब भारतीय संविधान को, कितने भाग में डिवाइड किया गया है, बताइए। तो भैया ये आपके टोटल ऑप्शन नंबर डी, 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल गिव्स द स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर को कौन सा आर्टिकल जो है वो एक स्पेशल स्टेटस देता है, बताइए। ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था। तो जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस देता है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 370। द ऑफिशियल लैंग्वेज कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं तो ये कौन से पार्ट के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो होते हैं ना, ये आते हैं आपके, वैसे तो ये आते हैं 17 में आते हैं, XV2, ठीक है। इसमें आपका मैंने शेड्यूल वाला क्वेश्चन सेट किया था, बट कोई नहीं, चलिए पार्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो 17 में आता है, ठीक है। और अगर शेड्यूल की बात करें तो ये भैया आपके 8th शेड्यूल में आता है, दोनों चीज़ क्लियर करते रहे, ठीक है। और शेड्यूल अगर आए कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में आता है, तो ये आपका 8th शेड्यूल में आता है। और अगर वहीं पे बात किया जाए कि कौन से पार्ट में आता है, तो पार्ट 17 में आता है, ठीक है। चलिए, अंडर विच आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इन इंडिया, बताइए। ये तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में लगाई जाएगी तो कौन से आर्टिकल के तहत लगाई जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 360, बताया था। चलिए, द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच पार्ट, बताइए अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कौन से पार्ट से रिलेटेड है। ये आपका रिलेटेड है कौन से पार्ट से, 20 से, ठीक है। द फंडामेंटल ड्यूटीज इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए मौलिक कर्तव्य जो है ये कौन से पार्ट से रिलेटेड है आपका। तो अगर बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, 4A से रिलेटेड है, 4A, पार्ट 4A। द म्यूनसिपैलिटीज इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए म्यूनसिपैलिटीज जो हैं इनका संबंध कौन सी पार्ट से है। तो देखिए अगर बात करें म्यूनसिपैलिटीज की, तो ये आपका रिलेटेड है 9A, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द ऑफिशियल लैंग्वेज कम्स अंडर, देखिए मैंने आपको बताया था ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन से शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं, 8th शेड्यूल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज कौन से शेड्यूल में आता है।
ग्राम पंचायत का संबंध किससे? आर्टिकल 40 से। अब बताइए कि पंचायती राज कौन से शेड्यूल के अंदर आता है? तो ये आता है आपका 11th शेड्यूल, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, म्यूनसिपैलिटीज कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये दोबारा रिपीट हो गया क्या? नहीं, शेड्यूल है ना, उसमें हमने पार्ट देखा था। चलिए, पार्ट 9A में था, म्यूनसिपैलिटीज कौन से पार्ट में था? 9A। और शेड्यूल की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी 12th शेड्यूल। चलिए, द कंकरेंट लिस्ट कम्स अंडर विच आर्टिकल, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए कंकरेंट लिस्ट जो है ये कौन से शेड्यूल में, कौन सी अनुसूची में आता है? कंकरेंट लिस्ट जो आता है ये आपका आता है ऑप्शन नंबर है 7th शेड्यूल। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट? स्टेट्स के जो हाई कोर्ट होते हैं, जितने भी स्टेट्स के हाई कोर्ट हैं, तो उनका संबंध कौन से आर्टिकल से है? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 214। द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्राइम मिनिस्टर के जो ड्यूटीज होते हैं तो वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं बताइए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 78। द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए किसी भी राज्य के जो सीएम होते हैं तो उनका ड्यूटीज जो है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर सी 167। अगला क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए इलेक्शन कमीशन जो है इनका संबंध कौन से आर्टिकल से है? 324 ऑप्शन नंबर डी। स्कोर जरूर शेयर करें भाई, 47 आउट ऑफ व्हाट है ना। द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए स्टेट्स के जो हाई कोर्ट हैं तो उनका संबंध कौन से आर्टिकल से है? आर्टिकल 214। अगला क्वेश्चन, द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अपॉइंटमेंट जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस के तो कौन से आर्टिकल के तहत होते हैं बताइए? आर्टिकल 233। द ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट्स इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए ऑफिशियल लैंग्वेजेस या फिर लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट्स जो हैं तो ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो ये आते हैं आपके आर्टिकल 345 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? बताइए जॉइंट सिटिंग जो होते हैं बोथ हाउसेज में किसी भी सर्टेन केसेस में तो उसका संबंध कौन से आर्टिकल से है? ये आपका कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है जॉइंट सिटिंग वाला? 208 नहीं, 108 आर्टिकल 108 से रिलेटेड है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, बताइए विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसको कि इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जाएगा? तो ये आपका कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन नंबर डी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को जो है ये इमरजेंसी के टाइम पे भी इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो भाई वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में टाइम लगता है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।